नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। संभल में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ मिशन क्लीन जारी है। संभल में एक बार फिर पुलिस की गोली बोली और इस बार पुलिस की गोली का शिकार 25,000 का इनामी बदमाश हुआ। वहीं बदमाश की गोली से एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। बदमाश का एक साथी फरार हुआ है जिसके तलाश में कॉम्बिंग जारी है। मुठभेड़ की घटना संभल जनपद के चंदौसी कोतवाली इलाके में करेली रोड पर सुबह हुई, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने भी गोली से जवाब दिया। पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र यादव घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर बदमाश को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को एक बदमाश के पास से एक बाइक और एक तमंचा कारतूस मिले। इधर बदमाश की गोली से एक कांस्टेबल मोहित भी घायल हुआ, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश जितेंद्र यादव इनामी बदमाश है और इस पर लूट हत्या सहित तमाम मामले दर्ज हैं। संभल में बीते दिनों खाद व्यवसायी की लूट के बाद हत्या मामले में मुख्य आरोपी था, वांछित चल रहा था। फिलहाल इसका एक साथी नीरज फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मुठभेड़ हुई है, घायल हुआ इस दौरान सर क्या पूरा? संभल में पट्टा चंदौसी को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी का मूवमेंट है, इसी में घेराबंदी की गई थी। करेली मिलक रोड पे एक बाइक सवार दो अपराधियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने हमारे पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मोहित घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी है, उसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया और एक कांस्टेबल को हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में पता चला है कि अपराधी जितेंद्र था, जो बेरनी का रहने वाला है, कुड़ थाना क्षेत्र का, और ये पूर्व में इसका लूट विथ हत्या का केस दर्ज था इस पर, और ये 25,000 का इनामिया अपराधी था। अभी ये गिरफ्तार हुआ है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथी जो फरार है उसकी तलाश की? उसकी एक साथी, इसका नीरज है, वो मौके से फरार हो गया है, उसके भी तलाश जारी है। सर ये किस घटना में वांछित चल रहा था? ये चंदौसी में एक लूट भी मर्डर हुआ था, उसी घटना में वांछित चल रहा था और मेन कॉन्स्पिरेटर था, ये साजिशकर्ता मुख्य था, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया था। उस लूट का ये सामने उसी के जिसके साथ लूट हुई थी उसके सामने दुकान करता था और पूरी साजिश करके उसके साथ लूट करवाया था, जिसमें उस व्यक्ति की, बुजुर्ग की हत्या भी हो गई थी।